नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ रूबन जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि समाज के ऊपर क्या प्रभाव रहा है डेरा सच्चा सौदा का, समाज के लिए क्या काम किए हैं डेरा सच्चा सौदा संस्था ने, क्या है असली भूमिका सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिनसा की समाज के लिए। 4 साल हो गए हैं संत जी अब समाज में नहीं है, अब समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सीधे सवाल करते हैं इनसे सीधी बातचीत करके। नमस्कार रुबन जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। रुबन जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, 4 साल हो गए हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जी साहब समाज में नहीं है, 4 सालों से उस तरीके से नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज में उनका ना रहने से समाज के ऊपर? जो गुरु जी ने अच्छे काम चला रखे हैं, जो उन्होंने अच्छी सीख दी है कि मतलब भ्रूण हत्या पाप है, या कन्या जैसे विवाह वो क्या बोलते हैं उनको, जैसे विधवा कन्याओं का विवाह कराना, वैश्याओं को बेटी बनाना, वृक्ष लगाना, मतलब बहुत से समाज से भी कार्य वो करवा रहे थे। इवन वो इस टाइम देह रूप में समाज में नहीं है, इवन देन ये डेरा फॉलोवर्स ने एक भी वर्क को स्टॉप नहीं किया, उनके सिखाए हुए सभी काम एज इट इज आज भी होते हैं। क्या आपको लगता है संत जी की ज़रूरत है समाज को? संत जी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब उनके प्रेजेंस में जो डेरा फॉलोवर ना होते हुए भी समाज सेवा के कामों में आगे आए हैं, यहाँ तक कि जो लोग नहीं फॉलो करते थे उन लोगों को भी लगा कि नहीं हमें जैसे कोई गया तो वो भी हमें आँखें डोनेट करके जाना चाहिए, मतलब हर किसी के पास इतनी पॉजिटिवनेस उन्होंने दी कि मतलब जो डेरे को फॉलो नहीं करते वो भी समाज सेवा में आगे आ रहे हैं। तो उनकी इस टाइम समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समाज को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने आज का युग क्या है, इवन देन यहाँ पर मतलब बेटियाँ इतनी सुरक्षित हैं क्योंकि सभी लोग उनके भाई बन के उनके साथ रहते हैं, इवन जिसको नहीं भी जानते उसकी भी पूरी तरह सुरक्षा की जाती है। ये मैम कहाँ की, कौन से एरिया की बात कर रहे हो आप? डेरे फॉलोवर आप जिस मर्जी एरिया में देख लीजिए, चाहे गुड़गांव है, दिल्ली है, सिरसा है, कर्नाटका तक भी देख चुके हैं, जहाँ डेरा फॉलोवर है वहाँ बेटियाँ सुरक्षित हैं। लेकिन मैम आश्रम के बारे में, मतलब डेरा सच्चा सौदा की बात करें, गुफा का बोला जा रहा था, काफ़ी अलग अलग बातें दिखाई जा रही थी। अब आप जैसे रामायण महाभारत भी आप देखते होंगे, सतयुग से ही चलता आ रहा है, जो मतलब भगवान है उनको भी दुनिया ने नहीं छोड़ा, तो वही कोई भी आज मतलब देश के लिए जनता के लिए कुछ भी अच्छा करेगा, वही अपोजिशन वाले तो ऑलरेडी खड़े ही रहते हैं। संत जी ने क्या योगदान दिया, क्या भूमिका रही है उनकी समाज के लिए? अब आप ये देख लीजिए, प्राकृतिक आपदा किस जगह नहीं आती है, जहाँ भी आए हमेशा हर जगह डेरा फॉलोवर्स पहुँचे हैं, कभी कहीं बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया है, यहाँ से अनाज हर सेवा जाती है, कहीं पर भूकंप आया तबाही मची, और कहीं जिनके पास घर नहीं है डेरा फॉलोवर्स विदाउट एनी उनसे एक्सपेंडिचर लिए उन्हें मकान बना के दे रहे हैं, उन्हें हर चीज़ मतलब रिहाइश खाना पानी हर चीज़ प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब ये जैसे ये कोरोना का टाइम आया था, जैसे ये जो होते हैं ये क्या बोलते हैं इनको वर्कर्स वगैरह, इनके पास कुछ भी वर्क नहीं था, इवन देन पिताजी की उस पर चलते हुए सीख पे चलते हुए लोगों ने उन तक अन्न पानी रेगुलर पहुंचाया कि कोई भी भूखा ना रहे। मैम आप उस समाज को क्या बताओगी जिनके माइंड में एक अलग छवि है संत जी को लेकर, जो मीडिया में प्रचार किया जा रहा था वही छवि उनके दिमाग में आज भी है? क्या कहते हैं कि जैसे अब वही है ना, एक बुरा टाइम आता है जो भी, लेकिन नहीं है ना, जीत हमेशा सच की होती है। शायद कुछ पिताजी भी कुछ मिशन पर गए हैं, जैसे ही जब टाइम आएगा सच्चाई सबके सामने आएगी, क्योंकि झूठ के लिए 100 मुंह होते हैं, सच का एक ही मुंह सबको वो करने के लिए काफ़ी रहता है। आप क्या आप कहना चाहोगे समाज को, आप क्या बताना चाहोगे संत जी का असली सच क्या? हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग आज भी देख रहे हैं कि अगर दुनिया में भलाई है उसको सिखाने के लिए भी संत जी हैं, तभी आज भलाई है, नहीं तो आज के टाइम में कोई दूसरे के लिए करने को तैयार नहीं है कुछ भी। तो अगर आप दुनिया की भलाई को देखें तो संत जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या अपील करना चाहोगे सरकार से? सरकार से यही अपील की जाएंगे कि आप सच्चाई को देखते हुए जल्द से जल्द पिताजी को देह रूप में सबके बीच में आने को मिले।
ये सजा किसको मिल रही है, संत जी को या समाज को? ये सजा तो समाज को ही मिल रही है, क्योंकि देखा है ये समाज के ही कष्ट है जो संत जी ने अपने ऊपर लिए हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों पे कोई कष्ट नहीं आने देना चाहते। कष्ट तो वो समाज के हैं जो संत जी अपने ऊपर लेके उनको कि समाज के कष्ट वो कर रहे हैं कि समाज को परेशान ना होना पड़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपको दिखा रहे हैं पब्लिक के साथ सीधी बातचीत, किस तरीके से लोग बता रहे हैं कि 4 सालों से संत जी नहीं है समाज में, उनके फॉलोअर्स आज भी समाज में काम कर रहे हैं, लेकिन समाज को सजा मिल रही है क्योंकि उस तरीके से वो नशा छुड़ाने वाली मुहिम आगे नहीं बढ़ पा रही है। लगातार पब्लिक आपके सामने बता रही है कि असली भूमिका क्या है संत जी की समाज के लिए। आप लोग भी सोचिए, एक तरफ ये फैक्ट जो लड़कियाँ आपके सामने खासकर आकर बताती हैं, असलियत इनकी अपना एक्सपीरियंस आप लोग भी ज़रूर सोचिए और इस सच का साथ दीजिए। सच का साथ देने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई। बहुत बहुत धन्यवाद।